हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक अच्छी बात बताते हैं सिम्बा के बारे में। हम लोग जैसे रात हो गई है और एक बार हम लोग कार को एक राउंड मारते हैं, चलाते हैं कार को कि वो थोड़ा सा उसका इंजन सही रहे क्योंकि बहुत दिन से खड़ी है कार। तो जैसे ही सिम्बा को कार की चाबी मैं उठाता हूँ और सिम्बा को कार की चाबी दिखाता हूँ तो सिम्बा को पता चल जाता है कि अब हम कार से घूमने वाले हैं। नॉर्मली आप देखते होंगे कि सिम्बा निकलता है और सीधे घूमने की ओर चला जाता है, पर अब सिम्बा निकलेगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि वो कार में ही बैठने की कोशिश करेगा क्योंकि उसको पता है कि पापा ने कार की चाबी उठा ली है और पापा अब कार से घूमने वाले हैं और मुझे घुमाने वाले हैं। देखिए इसकी रोने की आवाज़ आ रही है सिम्बा की, ये रो रहा है कि चलो जल्दी चलो। ओ माई गॉड, ये मेरे ऊपर चढ़ गया है, बोले जल्दी चलो, मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग ही करते रहोगे क्या? और जैसे ही हम ये खोलते हैं और ये खुला सिम्बा को, जैसे ही हम कार को खोलते हैं अपनी, अब सिम्बा को पूरी तरीके से समझ में आ गया है कि अब हम कार से घूमने वाले हैं और मैं किधर साइड से बैठूं, उधर साइड से बैठूं या इधर साइड से बैठूं। तो सिम्बा लग रहा है कि खोलो खोलो गाड़ी को, खोलो मैं पीछे ही बैठने वाला हूं। तो अब सिम्बा बैठने वाला है और एक राउंड घूमने वाला है। देखिए सिम्बा बैठ गया है। सिम्बा अब घूमने जाएगा और गाड़ी की लाइट्स ऑन कर दिया है और सिम्बा कार पे बैठ गया है। और सिम्बा जैसे ही कार में बैठता है तो पीछे की विंडो ओपन कर देता हूँ मैं। अब सिम्बा बाहर देखेगा और सिम्बा घूमेगा। तो सिम्बा देखिए विंडो के बाहर देख रहा है, अब बीच में बहुत सारे इसको डॉगी दिखेंगे और डॉगी दिखते हैं तो देखिए इसका रिएक्शन क्या होता है। इसको बड़ा मज़ा आता है कि ये डॉगी मुझे परेशान नहीं करेगा। और सिम्बा को बाहर की हवा बहुत अच्छी लगती है और सिम्बा को सबसे ज़्यादा अगर कुछ चीज़ पसंद है तो उसमें एक चीज़ और शामिल है, वो है कार से घूमना। तो एक देखिए कैट बैठी हुई है और सिम्बा उसे देख रहा है, देखिए कैसा रिएक्शन है उस बिल्ली का, ये कैसा गाड़ी के अंदर एक सिम्बा बैठा हुआ है और सिम्बा का रिएक्शन देखिए, अरे ये क्या है। और बिल्ली डर नहीं रही है, सिम्बा उठ उठ, सिम्बा बोला ओ, सिम्बा उठ, बिल्ली डर गई है। और बिल्ली डर नहीं रही, बोले कार से बाहर कैसे निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी आकांक्षा, ये बहुत ही, ये मैं इसका इंट्रो किया दूँ, ये मेरी बहुत छोटी सी डॉग है, मैं इसका बहुत दिन से ख्याल रखा हूँ। ये सिम्बा से बहुत बड़ी है, देखिए मेरे को देखिए कितना एक्साइटेड हो गई है। और ये आकांक्षा है, मैं इसको बहुत मानता हूँ और मैं इससे मिल नहीं पाता हूँ। इधर आओ आकांक्षा, आकांक्षा इधर आओ बेटा। अरे ये देखिए ये सी कितनी छोटी सी है। ये कितनी छोटी सी है। इससे आज मैं सिम्बा को मिलाने लाया हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे मानती, बहुत छोटी थी, बहुत क्यूट है ये कोई ब्रीड है बट ये देसी टाइप की हो गई, पर
पर ये सिम्बा से मिलने के लिए बहुत इसलिए जब सिम्बा छोटा था तो ये इसके साथ खेलती थी। ये 3 साढ़े 3 साल की हो गई है, बट अब सिम्बा देखिए, सिम्बा सिम्बा इससे मिलने वाला है। सिम्बा लड़ेगा नहीं सिम्बा इससे, और इसकी बचपन की दोस्त है, और वो थोड़ा डर रही है कि ये इतना ज़्यादा बड़ा हो गया, बहुत कम मिलना होता है इसके। इससे ये है आकांक्षा, इसका मैंने आकांक्षा नाम रखा था। वो ये 3 साढ़े 3 साल की हो गई है और थोड़ा डर रही है उससे, बट सिम्बा लड़ने की कोशिश में नहीं है, बट आप बोल लो खेलेंगे। देखिए सिम्बा के साथ ही खेल रही है, सिम्बा से बहुत दिन बाद मिली है तो थोड़ा सा अलग ही एक्साइटमेंट है सिम्बा का। ये सिम्बा जब छोटा था तो इसके साथ बहुत खेलता था, बट अब वो थोड़ा सा लग रहा है उसे थोड़ा कि सिम्बा उसको काट ना ले मारे ना, बट सिम्बा में कुछ ऐसी आदत नहीं, आप भी जानते हैं। बट ये हमारा आकांक्षा से मुलाकात थी उसकी, इसलिए हम लोग ने इसको लाया था इतनी दूर।